चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित 6 लोगों की सजा बढ़ाने की मांग वाली केंद्र जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की याचिका पर सोमवार को एक न्यायाधीश के अवकाश पर रहने से सुनवाई टल गई। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश ए के गुप्ता और राजेश कुमार की पीठ में यह मामला सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ, लेकिन न्यायाधीश राजेश कुमार के अवकाश पर रहने के चलते मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। मंगलवार को इस मामले में लालू प्रसाद की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार और देवर्षि मंडल पेश हुए। वहीं सीबीआई की ओर से लालू और अन्य की सजा बढ़ाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। दाखिल याचिका में कहा गया है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद, डॉक्टर आर के राणा, बेक जूलियस, अधीप चंद्र चौधरी, महेश प्रसाद, फूलचंद्र सिंह और सुबीर भट्टाचार्य को 3.5 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि इसी मामले में जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि सजा पाने वाले सभी लोग उच्च पद पर पदस्थापित थे और इन पर उच्च स्तरीय षड्यंत्र रचने का आरोप है। ऐसे में जब मामला साबित हो गया है तो सभी को एक ही तरह की सजा मिलनी चाहिए। यानी कि अब लालू प्रसाद यादव के लिए यहां पर सीबीआई की सुनवाई तो टल चुकी है, लेकिन अभी भी उनकी सजा बढ़ाने की मांग की जा रही है। LD News Room की रिपोर्ट।